सरकार से गिराए जाने की खबरों के बीच रायपुर में मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि खरीद फरोख्त करना भाजपा का मूल कार्य बन गया है। मध्य प्रदेश में जो हुआ ये इसका ताजा उदाहरण है। टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता के निर्णय उनको स्वीकार नहीं है, भाजपा को येन केन प्रकार सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में बहुमत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुख्य जो उनका लक्ष्य है किसी तरह से राज्यसभा में भी कब्जा करना, बहुमत हासिल करना, ताकि ये जो कानून मनमानी अपने सोच के वो लागू करना चाहते हैं देश में उनको लागू वो कर सकें, और इसके लिए वो किसी हद तक जा रहे हैं। तो राजस्थान में भी हम लोग तो गए थे वहाँ राज्यसभा के चुनाव के लिए, और आप लोगों से साझा भी किया था कि उस समय भी ये बात थी कि ये स्थिति है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया में चल रहे प्रदेश में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज की अफवाह को यहां पर खारिज कर दिया है। इस पर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अभी ऐसी स्थिति नहीं है और ये बात मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी झूठे खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अभी सभी को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। पुटिन्स ने इसको पता नहीं कैसे उठा लिया, वो गलत तरीके से उन्होंने उठाया। लॉकडाउन अगर आएगा भी, इसकी घोषणा होगी या तो केंद्र सरकार करेगी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, या राज्य सरकार करेगी मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो बाकी तो लॉकडाउन का कोई प्रश्न।